नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत के लिए लोन लेना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में 2 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको क्रेडिट बी एप बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, जिससे आप 20 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। यह एप्लीकेशन बहुत ही सुरक्षित और आरबीआई के नज़र में है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो, आपको कैसे आसानी से लोन आपको मिल जाए 20 मिनट के अंदर, वो भी बिना कहीं गए ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस एप्लीकेशन का, और रेफरल कोड भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है यह एप्लीकेशन जो है कि सुरक्षित है या नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें दोस्तों हमको यहाँ पर सर्च करना है क्रेडिट भी। जैसे दोस्तों आप यहां से सर्च करेंगे, यहां पर देखिए इसका जो है कि डाउनलोड जो है दोस्तों आपको यहां पर 1 करोड़ से प्लस है। ये देखिए, एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और सिक्योरिटी से आप बहुत ही अच्छा है, रेटेड जो है 3+ है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आपके लो पर्सनल लोन के लिए। आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे दोस्तों डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड हो जाए आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ कुछ डिटेल मांगा जाएगा, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ जो है कि अपना भाषा को सिलेक्ट कर लेना है, आपको इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश रखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल पर खुल कर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया गया आपको लोन जो है कि 3 लाख और 50 हज़ार और 1 लाख, जितना भी आपको यहाँ पर आपको जो है कि इसमें लोन 3 लाख तक मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन विथ मोबाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ओटीपी ऑटोमेटिक ले चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए एसएमएस, यहाँ पर कुछ आप जो है कि अलाउ करने के लिए मांग रहा है और शेयर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखिए एसएमएस और इंस्टॉल एप्लीकेशन लोकेशन, ये सब जो है आपको इसमें साझा करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर माइक्रोफोन में कैमरा है, ठीक है। आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ एग्री पर क्लिक करते हैं, आई एग्री पे, आपको यहाँ अलाउ करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले बोल दिया गया है। आपको यहाँ कुछ परमिशन को अलाउ मांगेगा, ठीक है, आप वहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर फिर से आपसे जो है कि कंटिन्यू मांग रहा है, आपको यहाँ पर ऑथोराइज के लिए आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपसे यहाँ मांगा जाएगा रेफरल कोड नंबर, ठीक है। रेफरल कोड नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर रेफरल कोड नंबर यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों आप रेफरल कोड वहाँ पर हमारा डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पेन नंबर मांगा जाएगा, आप अपना यहाँ पेन नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, आपको यहां पर वेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे यहां पर मांगा जा रहा है एम्प्लॉय टाइप, आपको पूछा जा रहा है आप सैलरीड हैं, आप सैलरी कमाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो यहां पर जो भी हैं आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपका मंथली इनकम कितना है, ठीक है। आप यहाँ पर मंथली इनकम भर देंगे आपका जितना भी इनकम होगा। उसके बाद यहाँ नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं,
यहाँ पर आपको मिनिमम 25,000 से ऊपर आपको भरना होगा। 25,000 से नीचे भरते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चेक हो रहा है कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है कि या नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए आप अगर दोस्तों आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी हैं तो आपको यहाँ पर बता देगा, अगर नहीं है तो अब वो भी बता देगा। यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग में आपका जो है कि जितना भी आप फॉर्म भरे हैं उसको जांचा जा रहा है, वो जांच के आपको यहाँ पर बता देगा आपको कितना लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड के बाद आपको जो कि रिफ्रेश बटन दबा देना है। यहाँ पर देखिए आ गया मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, एलिजिबल फॉर लोन, आपको यहाँ पर 30,000 का लोन मिलेगा। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे हम कंटिन्यू टू अप्लाई, उसके बाद आपका जितना भी लोन पास होगा यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, आपको जो कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन केवाईसी करना होगा। केवाईसी के लिए यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ और योर सेल्फी, आपका यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा सेल्फी वाला, और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप जो देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेपरलेस आधार कार्ड आप देना चाहते हैं या डिजी लॉकर के साथ, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इस पर आप क्लिक करके पेपरलेस वाले पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा जो कि आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर, वो ओटीपी आपको यहां पर फिल करना है। जैसे दोस्तों आपको यहां पर ओटीपी आ जाता है तो ओटीपी आपको यहां पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आपको दोबारा क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक पेपरलेस आधार कार्ड डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, ये जो कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड यहाँ पर ऑटोमेटिक हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर एक सेल्फी फ़ोटो लगाना है, सेल्फी फ़ोटो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस जगह। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर देखिए नहीं मास्क लगा कर रखना, नहीं आपको चश्मा या ग्लास लगा कर रखना है, ना आपको यहाँ पर कैप लगा कर यानी टोपी लगा कर रखना है। आपको सब जो अगर है तो आप हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू टेक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे, आपसे यहाँ पर सेल्फी फ़ोटो खिंचा जाएगा। इस तरह से आप भी अपना सेल्फी फ़ोटो ले लेंगे एगो। ठीक है, आप बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा करना कि आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है आपका ईमेल आईडी। ठीक है, आप यहाँ ईमेल आईडी भरेंगे अपना, आपका जितने भी मोबाइल में ईमेल आईडी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाए आप मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी एजुकेशन में पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, बैचलर है, मास्टर है, डिप्लोमा है, डॉक्टोरेट है, जो भी आप हैं दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रोफेशनल आप बैंक एम्प्लॉय हैं या सिंगर हैं, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि रेफरेंस कंटेंट मंगा जाएगा, आप यहाँ पर अपना फैमिली का नाम भरेंगे। ठीक है, इस तरह से अपना फैमिली का नाम भर देंगे। यहाँ पर मदर का नाम मंगा जा रहा है, मदर का नाम भरेंगे। इस तरह से भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस में आप किसको रखना चाहते हैं, फादर को, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
पर एक आपको कॉन्टैक्ट मांगा जा रहा है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटर नेम, उसका नाम क्या है तो यहाँ पर नाम फिल करेंगे, ठीक है। जिसका भी आप रेफरेंस में नाम देंगे उसका नाम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर फिर आपको डालना होगा, यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल का आपको इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ये जो है कि आपको सबमिट हो चुका है, यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आपको यहाँ पर मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा और आपको यहाँ से अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ये आपको जो है कि जो भी आप भरे हैं उसका चेक कर रहा है ऑटोमेटिक, आप वहाँ से चेक हो रहा है। चेक जैसे ही हो जाएगा आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको मैसेज आ जाता है कंग्रेचुलेशन यू न्यू प्रोडक्ट अनलॉक, आपका जो कि लोन यहाँ पर 3 लाख तक का अनलॉक हो चुका है। आप यहाँ से 3 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं अपने लोन, पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप 3 लाख तक यहाँ से खुद अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करके अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं 3 लाख तक, अगर आपको जितना चाहिए, यहाँ पर 5,000 भी है, 6,000 भी है, जो भी आपको यहाँ पर चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके को यहाँ पर बता रहा है कि कितने मंथ तक आप लेना चाहते हैं। आपको पहली बार अगर हैं तो आपको 3 मंथ के लिए ही दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर गेट नो पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने मंथ के लिए आपको लोन लेना है, यानी कितने EMI जो है आप कितने मंथ के लिए करवाना चाहते हैं। आपको 3 महीने में पेड करना है या उससे ज़्यादा समय तो आपको अभी नहीं मिलेगा, आप 3 महीने तक ले सकते हैं। अगर 2 महीना में आपको करना है तो आप यहाँ पर 2 महीना सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर जितना आपको चाहिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए आपको जब 5,000 का लोन लेना है तो 5,000 आपको यहाँ पर डाल देना है, और कम आपको करना है तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा दिया है आपको EMI जो है कि पेमेंट कितना करना है 3 महीने में, ठीक है। अगर 3 महीने के लिए आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1751 रुपया EMI पे करना पड़ेगा हर मंथ, तो 1751 होता है, इस तरह से आप जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यू समरी एंड चार्ज पे क्लिक करेंगे, आपको देखना है कौन कौन चार्ज लग रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना इंटरेस्ट लग रहा है और कितना आपका GST कट रहा है, क्या कट रहा है, टोटल यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो दोस्तों ये देखने के बाद आप व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे आपको क्लिक कर देना। दोस्तों हमको यहाँ पर लोन नहीं लेना है इसलिए हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, आपको यहाँ से कंटिन्यू करके आपको लोन ले लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने लोन अभी नहीं लेना है इसलिए आपको आगे नहीं दिखा सकते, इसके लिए सॉरी। आप यहाँ पर व्यू रिप्ले करके आगे करके आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना लोन पेमेंट सॉरी लोन ले सकते हैं आसानी से घर बैठे, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो भी है यहाँ पर इंश्योरेंस का है, और आप यहाँ से अपना क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग तो बराबर पहुँचते रहे। तो दोस्तों आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देंगे, और दोस्तों किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।